धोखाधड़ी के मामले में अव्वल करामाती पंजाब ज्वेलर्स ने एक उपभोक्ता को 17 लाख के हीरे के बदले कांच के टुकड़े थमा दिए। पंजाब ज्वेलर्स से हीरे खरीदने वाले कारोबारी ने जब मुंबई और दिल्ली के लैब में इन्हें टेस्ट करवाया तो वे कांच के टुकड़े निकले। यह मामला 4 साल पुराना है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मामले में भोपाल की श्यामला हिल्स पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी हाल ही में इंदौर में भी पंजाब ज्वेलर्स ने चोरी करते हुए एक उपभोक्ता के साथ सोने की धोखाधड़ी की थी। बड़ा सवाल यह है कि जो पंजाब ज्वेलर्स 17 लाख के नकली हीरे बेच सकता है तो फिर सोना क्या चीज है। पुलिस प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंक रहा पंजाब ज्वेलर्स का मालिक। लोगों की कमाई पर डाका डालने वाला सबसे बड़ा डकैत है पंजाब ज्वेलर्स। मालिक को शासन प्रशासन का भी नहीं है बिल्कुल डर, घूम रहा बेखौफ। हीरे बोलकर दोस्तों को टिका दिए कांच के टुकड़े, सोना तक पार कर दिया। इंदौर और भोपाल में भी कर चुका है लाखों की चोरी चकारी। आम आदमी के खून पसीने की कमाई पर डाका डालने वाला पंजाब ज्वेलर्स खुलेआम चोरी चकारी करने से भी बाज नहीं आ रहा। पंजाब ज्वेलर्स इतना बड़ा चोर है कि उसने अपने दोस्त को ही नहीं छोड़ा, जिसके साथ बिजनेस करता था उसी के साथ गद्दारी कर दी और दोस्त की जेब पर ही डाका डालकर उसकी कमाई हड़प गया। एक उपभोक्ता जिसने हीरा समझकर पंजाब ज्वेलर्स पर भरोसा किया था, उसी ने भरोसे को तोड़ते हुए उपभोक्ता को कांच के टुकड़े थमा दिए। इस कारोबारी ने 17 लाख के हीरे खरीदे थे। जब इनकी दूसरे ज्वेलर्स के यहां जांच कराई गई तो ये महज कांच के टुकड़े निकले। कारोबारी ने भोपाल में पंजाब ज्वेलर्स के दर्पण आनंद के खिलाफ भी थाने में शिकायत की थी, लेकिन 4 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। मामले में रोचक बात यह है कि फरियादी पंजाब ज्वेलर्स के मालिक दर्पण आनंद का दोस्त है, बावजूद उसने अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा। पीड़ित कारोबारी ने बताया कि उसने ज्वेलर से हीरे की अंगूठी और टॉप्स खरीदे थे, जो जांच कराने पर महज कांच के टुकड़े निकले। जानकारी के मुताबिक होर्डिंग कारोबारी सैयद तारिक अली कोहे फिजा क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने 8 जून 2014 को भोपाल के मालवीय नगर स्थित पंजाब ज्वेलर से पत्नी के लिए टॉप्स और अंगूठी खरीदी थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। टॉप्स में 9 लाख के हीरे थे, जबकि अंगूठी में 7 लाख के हीरे थे। दोनों की कुल कीमत 17,45,000 रुपए थी। इसके बाद उन्होंने दूसरे ज्वेलर्स के पास इन हीरों की जांच कराई, जिसमें पता चला ये हीरे नहीं कांच के टुकड़े हैं। उन्होंने भोपाल और मुंबई के लैब में अलग अलग जांच कराई, दोनों ही रिपोर्ट्स में कांच के टुकड़े होने की पुष्टि हुई। इसके बाद तारिक अली ने पुलिस को शिकायत की। अरेरा पुलिस ने गुरुवार देर रात ज्वेलर संचालक दर्पण आनंद और मैनेजर राजेश चोपड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन आज तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मामले की शिकायत पीड़ित ने तभी कर दी थी जब मुंबई भोपाल की रिपोर्ट आई थी। पुलिस एसटीएफ से लेकर ईओडब्ल्यू तक शिकायत की गई। जांच के नाम पर पुलिस टाइम पास करती रही। पंजाब ज्वेलर्स से मेरे एक फ्रेंडली संबंध थे उनसे, जो राजेश चोपड़ा वहाँ के मैनेजर हैं और मालिक दर्पण आनंद जी। मेरा पब्लिसिटी का व्यवसाय एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, तो मुझसे होर्डिंग भी लिया करते थे, उसमें हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके रहते हमने उनसे काफ़ी ज्वेलरी लिए पार्ट पार्ट में, काफ़ी बड़े अमाउंट की, जिसमें से मैंने उनसे एक वाइफ के लिए टॉप्स का इयर रिंग का सेट बनवाया था और अपने लिए हाथ की एक रिंग ली थी डायमंड की। ऑर्डर करके दोनों चीज़ें बनवाई थी, जो कि मैंने 5-6 साल के बाद उसको चेंज करके कुछ और आइटम लेने का सोचा, तो मुझे पता चला कि वो उन्होंने नकली कांच के टुकड़े, मतलब डायमंड नहीं है और कांच के टुकड़े लगा के उन्होंने जिरकन जिसे कहते हैं वो मुझे उन्होंने सेल कर दिया था। मैंने उसकी जांच भी करवाई लेबोरेटरी में और मुंबई में भी कराई, तो वो कांच के टुकड़े ही निकले। लगभग कितने अमाउंट की हुई ज्वेलरी होगी? जो ये नकली ज्वेलरी निकली है वो लगभग 18 से 19 लाख के आसपास की बिल है मेरे पास, और इतने इस अमाउंट की ज्वेलरी थी। और मैंने जब गंभीरता से बिल मिल भी चेक करा तो उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें उनकी ऐसी हैं जिसके ऊपर की फ्रॉड दिख रहा है। गोल्ड का अमाउंट उन्होंने ज़्यादा लिया, डायमंड की कैटेगरी एक बिल में मेंशन कर रहे हैं और दूसरे बिल के अंदर डायमंड की कोई कैटेगरी मेंशन नहीं कर रहा है, और भी चीज़ें हैं उसके अंदर। कब शिकायत करी है आपने इसकी? मैंने आई थिंक इसकी 2020 में, अक्टूबर 2020 के अंदर मैंने FIR करी मालवीय नगर थाने में,
और जिसके ऊपर इनकी तीन बड़ी बड़ी धाराएं भी लगी, 420 और भी दो बड़ी धाराएं इनके ऊपर लगी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने पावर का और उसका इस्तेमाल करते हुए इनको एक दिन भी किसी ने अरेस्ट नहीं करा। थाने से लगभग 400-500 फीट की डिस्टेंस पे इनका शोरूम है मालवीय नगर वाला, और बराबर मैनेजर भी उनके बैठते हैं, आज तक बैठते रहे, और इनके जो मालिक हैं वो भी आ जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं उनके रसूख को देखते हुए। और उन्होंने काफ़ी बार हमारा माननीय न्यायालय के अंदर केस चल रहा है, तो इन्होंने खात्मे की भी काफ़ी कोशिश करी और अभी भी खात्मे के लिए लगाया हुआ है, जिसको कि एक बार तो कोर्ट ने डिनाई कर दिया था, और अभी सैटरडे की मेरी पेशी भी है, कोर्ट में डेट लगी हुई है, तो अब देखते हैं। और मेरा मतलब बस सभी रहवासियों से, शहर के आग्रह है, विनती है कि पंजाब ज्वेलर्स से जो भी ज्वेलरी लें उसको बहुत, वैसे तो लेने से पहले 100 बार सोचें, और उनकी जो भी ज्वेलरी ले चुके हैं उसको अच्छे से चेक करें, और उसके बिल और उन्होंने क्या वजन दिया है, क्या कुछ मिलावट तो नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में एक इंदौर में भी मामला सामने आया है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पेपर वालों कोई न्यूज़ नहीं छाप रहा है, मतलब उनके रसूख को देखते हुए क्या मैनेजमेंट करके रखा है उन्होंने। तो मेरा सरकार से भी, शासन से अपील है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनका शोरूम को बंद किया जाए, ताकि ये दोबारा जनता के साथ ऐसा ना करें। हाल ही में इंदौर में भी पंजाब ज्वेलर्स ने एक ग्राहक के साथ धोखाधड़ी कर दी। ग्राहक की शिकायत पर नापतोल विभाग ने हीरे और सोने की हेराफेरी के मामले में शोरूम में जांच पड़ताल की, जिसमें वजन करने वाली मशीनें अमानक और असत्यापित पाई गई। इस मामले में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने पंजाब ज्वेलर्स के अलावा भी अन्य ज्वेलरी शॉप और पेट्रोल पंप सहित अन्य दुकानों पर भी नजर रखने के निर्देश नापतोल विभाग को दे दिए। बता दें कि पंजाब ज्वेलर्स ने ग्राहक अंशुमान जाट के साथ धोखाधड़ी की थी। अंशुमान जाट का कहना था कि बिल पर उनके रिंग का वजन 7.260 ग्राम था। जब वे इसे बेचने गए तो नक का वजन तो ज्यादा बताया, साथ ही कांटे पर इस रिंग का वजन 7.240 ग्राम आया। वहीं पर्ची पर इसका वजन 7.190 ग्राम लिखकर दिया गया। इस तरह सोने का वजन काफी कम कर दिया गया। सर, पंजाब ज्वेलर्स पे एक शिकायत की गई है, कुछ गोल्ड को लेकर एक मामला हुआ है, क्या मामला? पूरा टीम भी आई थी उसमें जांच करने। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है, 15 अगस्त 2023 को एक मैंने ज्वेलरी परचेस की थी, रिंग थी एक गोल्ड की, जिसमें एक एडी डायमंड भी था, और उसका वजन उस समय परचेस मुझे ग्रॉस वेट दिखाया गया था 7.260 ग्राम, और उसमें जो एडी डायमंड था उसका वेट बताया था 0.089 मिलीग्राम। जब मैं उसको 4 मई 2024 को एक्सचेंज करने पहुंचा तो उन्होंने उसका वेट किया, तो उन्होंने मुझे फिर एक वेट करके एक पर्ची निकाली थी, उसमें ग्रॉस वेट बताया 7.190 मिलीग्राम, और नेट वेट ऐसे करके उन्होंने 450 से 450 मिलीग्राम स्टोन, एडी स्टोन का वजन दिखाया, जो कि जब फिर मैंने कंपेयर किया बिल से तुरंत तो उसमें डिफरेंस आया, तो तब मैंने उनको सब चीज़ें बताई, तो फिर दूसरे कांटे में देखा तो उसमें कांटा वजन दिखा रहा था 7.240 ग्राम, और जब फिर उनको बताया तो ऐसे करके उसमें 450 मिलीग्राम का फर्क दिखा, और जो गोल्ड का वजन आप कम दिखा रहे थे तो स्टोन का आप ज्यादा दिखा रहे थे, जब आपने बेचा तब गोल्ड ज्यादा था स्टोन कम था, तो वो चीज़ें दिखी। तो मैंने उनसे बातचीत भी करना चाहा, उनसे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मांगे कांटे के, जब फिर उनने देने से मना किया, कांटा देखा तो कांटे पे 2021 की सील लगी हुई थी, जबकि नियम प्रावधान अनुसार जब नापतोल विभाग हर वर्ष कैलिब्रेट करता है कांटे, तो जब जब वर्ष जिस वर्ष कैलिब्रेट होते हैं उस वर्ष की सील लग जाती है, पर उस कांटे में देखने में आया कि 2021 की सील लगी हुई है, और प्लेट वगैरह कुछ थी नहीं कांटे पे वजन की, कि कब कौन सा प्रमाणित हुआ, क्या सीरियल नंबर, वो सब चीज़ें फिर उन्होंने दिखाई नहीं, आनाकानी करी, फिर वो बैक फुट पे आ गए, उनसे और भी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पूछी, फिर उससे व्यतीत होके मैंने शिकायत करी। कहाँ पर शिकायत करी थी आपने? पुलिस आयुक्त महोदय को की, नापतोल विभाग के नियंत्रण को की भोपाल, उसके बाद अपना ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स की ब्रांच है भोपाल में, वहाँ पे की, कलेक्टर साहब को की मैंने, फिर मैं कल पर्सनली कलेक्टर साहब से मिला, उनका अवगत करवाया, तो उन्होंने फिर संबंधित विभाग जो भी थे उनको मार्क करा, फिर आज नापतोल विभाग की टीम ने मुझसे संपर्क किया, नापतोल विभाग की टीम पहुंची, मुझे दुर्भाषा सूचना मिली, फिर मैं गया, तो जब जितने भी मेरे आधार थे, आरोप थे उस शिकायत में, वो उनकी सबकी पुष्टि हुई और सभी अखंडित रहे, और जो जो मेरी शिकायत थी वो सब सही पाई गई उसमें। जो टीम जांच करने आई थी उन्होंने फिर क्या कराया वहां पर शोरूम पे? उनने भी स्पॉट पे टीम ने उनसे जो भी उनके कांटों के प्रमाण पत्र थे वो मांगे, वो देने में असमर्थ रहे, उसके बाद जो बांट थे बांट कैलिब्रेट नहीं पाए गए उनके, और कांटा तो मानक पाई नहीं गया,
जो संबंधी जो कांटा था, उसके बाद कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे फिर उन्होंने कार्रवाई करी उन पे, और जितने वो सब पाई गई जांच में कार्रवाई के साथ फिर उनको समन्वन भी दिए हैं, पंचनामा बनाया सब चीजें, और कांटा जब्त कर लिया, उनके वार्ड जो थे वो जब्त कर लिए हैं, और अब सोमवार को जांच सौंपेंगे पूरी। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं जो है? नहीं, अभी तो असंतुष्टि है, संतुष्ट जब होंगे कि मामला बाकायदा अपराध पंजीबद्ध हो इसमें, और जिस तरीके का छल कूट रचना, मिस रिप्रेजेंटेशन और मन से कुछ भी कर लेना, तो ये तो एक हमें कस्टमर हमारे साथ हुआ, और ये मेरा ऐसा मानना है कि व्यापक स्तर पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। जब एक इतना बड़ा शोरूम है, प्रतिष्ठित शोरूम है, और अगर वो इस तरह की चीजें कर रहा है और इतने बड़े स्केल पे, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी की चीजें हो रही हैं। जब आपके द्वारा शोरूम से बात की गई कि आपसे ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनके द्वारा कोई आश्वासन या क्या बात की गई आपसे? नहीं नहीं, कोई आश्वासन नहीं, क्योंकि गलत जो थी वो आई गई, वो बैक फुट पे आ गए, स्टैंड उनका पूरा बैक था एकदम। मैंने इवन उनसे ये भी कहा था कि मुझे जो पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज आप मुझे उपलब्ध करवाइए, तो उनके द्वारा मना किया गया, इनकार किया गया इन सब चीजों से। और फिर जो डिस्प्ले था, उसमें डिस्प्ले में उनके पास ऐसे कोई प्रमाण पत्र वगैरह वो सब चीजें देखने को नहीं मिली शोरूम में। हम कार्रवाई को त्वरित है, जो भी कार्रवाई हो रही है और हम हमारे लेवल पे लगे हैं कार्रवाई, तो उसमें करवाएंगे हम बड़ी। देखिए, निश्चित रूप से एक सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, शिकायत प्राप्त हुई थी, और नापतोल विभाग को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए थे, और मेरे द्वारा नापतोल विभाग को उस एप्लीकेशन को मार्क भी किया गया था, उनको विभाग पर निर्देशित भी किया गया था, और उसमें वो शिकायत सही भी पाई गई। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उनके द्वारा उस संबंधित ज्वेलर्स के खिलाफ तो करी ही जा रही है। नापतोल विभाग को निर्देश प्रदान किए गए हैं कि इस प्रकार के जो अन्य भी संस्थान हैं, न केवल ज्वेलर्स ही, चाहे पेट्रोल पंप की हम लोग बात करें या फिर जो दूसरे व्यावसायिक संस्थान हैं उनकी बात करें, सभी जगहों पर जो चेकिंग होती है उसको बढ़ाया जाएगा, और अगर भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो न केवल वो जो प्राइवेट संचालक हैं बल्कि नापतोल विभाग के जो अधिकारी, उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी अगर उनके द्वारा ढंग से काम नहीं किया जाए।